हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स यानी कि हमारा भौतिक विज्ञान के सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पेपर नंबर हमारा सेकंड है और इस पेपर का नाम है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस पेपर की हम आज बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से पेपर आएगा और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके जाने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो पेपर स्टार्ट करते हैं सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर के किस टाइप से आएंगे। तो मैं हूँ सोनम जैन, देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप सभी के लिए ये पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप हमारे कमेंट्स जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी पे हमारा आईडी अवेलेबल है। आप चाहे तो वहाँ जाके कमेंट्स वगैरह देख सकते हैं स्टूडेंट के कि किस टाइप से अलग अलग यूनिवर्सिटी, चाहे बीयू हो, डीएवीवी हो या अदर, छतरपुर यूनिवर्सिटी है, रायसेन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हुए हैं। तो आप हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंपेयर करके आपके पेपर से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा यूनिट नंबर वन, जिसका नाम है ठोस अवस्था भौतिकी फर्स्ट यानी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स। राइट गाइस, इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों की तुलना कीजिए, पैकिंग घनत्व क्या है, घनाकार क्रिस्टलों के लिए पैकिंग घनत्व की गणना कीजिए। अगला आ जाता है आपका, निम्न को समझाइए। अब यहाँ पे बहुत सारी टिप्पणियां मैंने आपको दी है, चूंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है, पेपर बहुत बड़ा है, इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। अगर वहाँ पर 200 क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें से मैंने आपको सिर्फ उसका 20% यानी कि 20 क्वेश्चन ही एक यूनिट में से या और भी कम दिए हैं। आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे यूनिट सेल, ब्लोच थ्योरम, द्रव क्रिस्टल, व्युत्क्रम लैटिस के तलों को समझाइए, वांडरवाल क्रिस्टल समझाइए, मिलर सूचांक समझाइए, लावे का समीकरण समझाइए। तो इन सब टिप्पणियों में से एक टिप्पणी आना निश्चित है, इसलिए करके जाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, ठोस में विभिन्न प्रकार के बंधों की विवेचना कीजिए तथा बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट है आपका, क्रोनिंग पेनी मॉडल को विस्तार से समझाइए, क्रिस्टल में सममिति के कौन कौन से तत्व होते हैं, लेटिक्स अंतराल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, एक्स किरण विवर्तन के लिए ब्रेग समीकरण लिखिए तथा ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर से क्रिस्टल संरचना किस प्रकार ज्ञात करेंगे। चलिए अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है ठोस अवस्था भौतिकी द्वितीय यानी कि सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर का। इसमें देखते हैं क्वेश्चन, किसी ठोस की परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है, ठोस की विशिष्ट ऊष्मा पर ताप का क्या प्रभाव होता है, आइंस्टीन सिद्धांत की परिकल्पना व सीमाएं लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, आपका डुलोंग व पेटिट नियम, फोनॉन बोरोन मैग्नेटोन, क्यूरी नियम, डिगबॉय के T3 नियम या T3 या इसको इस टाइप से यहाँ पर शो किया गया, ये नियम ताऊ नियम जिसको बोलते हैं, डुलोंग तथा पेटी नियम, ये पहले शायद मैंने दे दिया, रिपीट आ गया, और BH वक्र, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये BH वक्र। अगला, आइंस्टीन के आधार पर या आइंस्टीन के जो सिद्धांत के आधार पर किसी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा के लिए व्यंजक निगमन कीजिए, ठोस की विशिष्ट ऊष्मा का ताप के साथ विचरण समझाइए तथा DT3 नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डीबॉय वाला जो नियम है, मैंने ऊपर आपको टिप्पणी में लिख के दिया है, वो नियम सेम है। तो आप यहाँ पर या तो उस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है या ये यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगला है आपका, परमाणुओं की एक विनिमय कड़ी में कंपन विधाओं के घनत्व का निर्धारण कीजिए, हाल प्रभाव क्या है, किसी ठोस के लिए हाल गुणांक एवं हाल वोल्टेज का व्यंजक निगमन कीजिए, प्रतिचुंबकीय, लोहचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थों के या इन पदार्थों में अंतर स्पष्ट करो। तो देखा फ्रेंड्स आपने, बहुत ही कम क्वेश्चन है ईच, मतलब हर एक यूनिट से। अगला चलते हैं हम यहाँ पर,
यूनिट नंबर थर्ड, जिसका नाम है अर्धचालक युक्तियां फर्स्ट, यानी कि सेमी आपका कंडक्टर डिवाइस फर्स्ट। इसमें ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र समझाइए, धारा प्रवाह की भौतिक प्रक्रिया लिखिए, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं इनमें अंतर स्पष्ट करो, एन व पी प्रकार के अर्धचालकों में क्या अंतर है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी की रचना, कार्यविधि, उपयोग या प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इस पर टिप्पणी भी पूछ सकते हैं या इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगला है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जेंडर डायोड, दिष्टकारी, सोलर सेल, एन आपका पीएनपी व एनपीएन ट्रांजिशन, ट्री टर्मिनल युक्ति और संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिशन, जिसको जेएफईटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला, ट्रांजिस्टर के आधार ट्रांजिशन में आधार संधि को क्या, या अगर बात करें आधार संधि को क्यों पतला रखा जाता है तथा इसमें अशुद्धि की सांद्रता क्यों कम रखी जाती है, पूरा समझाइए, किस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको करना जरूर। फर्मी ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, दर्शाइए कि शुद्ध अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर वर्जित अंतराल के मध्य होता है, पी प्रकार के अर्धचालकों का ऊर्जा स्तर आरेख फर्मी ऊर्जा स्तर की स्थिति को दर्शाते हुए खींचिए। नेक्स्ट, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति के लिए विद्युत परिपथ बनाइए। नेक्स्ट है आपका, ट्रांजिशन के अभिलाक्षणिक वक्रों से क्या अभिप्राय है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में पीएनपी ट्रांजिशन के अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक परिपथ बनाइए, वक्रों की व्याख्या करो। फोटोडायोड क्या है, इसका सिद्धांत रचना फर्स्ट से फिफ्थ अभिलाक्षणिक वक्र व उपयोग बताइए। अब आ जाता है यूनिट नंबर फोर्थ, और इस यूनिट का नाम है आपका अर्धचालक युक्तियां द्वितीय यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस सेकंड। और आगे वीडियो को स्टार्ट करने के पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक करना ना भूलें, नहीं लगती डिसलाइक जरूर करें। आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप चाहे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो प्लीज़ गाइस फीडबैक देना ना भूलें। क्वेश्चन आए हैं तब भी बताएं, नहीं भी आए हैं तब भी बताएं, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो प्लीज़ मुझे पेपर भेजना ना भूलें, मैं आपको हर पेपर में या हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ, इसलिए आपको पेपर मुझे भेजना है ताकि आपके थ्रू जो किसी और स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। और अब जब आप मुझे पेपर भेजेंगे तो बाकायदा आपका नाम कहाँ से है ये लिखना ना भूले, ताकि जब भी मैं उस पेपर का वीडियो बनाऊं तो आपका नाम जरूर बताऊं और आप कहाँ के हैं ये भी बताऊं। ठीक है गाइस, तो आप प्लीज़ इतना सा काम मेरा जरूर करिएगा। चलिए इस यूनिट के हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रवर्धकों में वितरण से क्या तात्पर्य, संक्षेप में लिखिए, निम्न को समझाइए, बहुस्टर्जी प्रवर्धक, बार्क हास प्रतिबंध, आरसी युक्ति एम्पलीफायर, कला मॉड्यूलेशन, संसूचक की मूल अवधारणा, डिजिटल गणक। नेक्स्ट, अल्फा बीटा व गामा में संबंधित सीबी सीई सीसी प्रवर्धकों की तुलना करो। दो अगला है, दौलित्र के लिए परिपथ की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, पुश पुल वर्ग बी प्रवर्धक को समझाइए, प्रतिरोध संधारित्र आरसी कला शिफ्ट दौलित्र की विस्तार से व्याख्या करो, वर्ग ए व बी व सी प्रवर्धक में अंतर स्पष्ट करो, प्रवर्धक से आप क्या समझते हैं, प्रवर्धकों का वर्गीकरण करो, आर सी
युग्मित प्रवर्धक के लिए व्यंजक प्राप्त करो। हार्टले 2 लीटर का विद्युत परिपथ खींचकर कार्यविधि समझाइए। प्रवर्धकों में पुनर्निवेश को समझाइए। मॉड्यूलेशन से आप क्या समझते हैं, मॉड्यूलेशन के प्रकारों को समझाइए। बायसिंग स्थायित्व क्या है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूनिट नंबर 5th, जिसका नाम है नैनो पार्टिकल्स यानी नैनो मटेरियल्स। देखते हैं हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन। नैनो पदार्थ की प्रकृति में उपलब्धता, मतलब इसकी कितनी उपलब्धता है वो लिखना है। नैनो कणों के लगभग आकार लिखिए। 0D, 1D, 2D, 3D नैनो संचित पदार्थों को समझाइए। नैनो पदार्थ के अनुप्रयोग लिखिए। स्थूल तथा नैनो पदार्थ की संरचना एवं गुणों में अंतर लिखिए। नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग लिखिए। नैनो पदार्थ की संरचना एवं आकार गुणों को समझाइए। निम्न को समझाइए। टॉप डाउन विधि, वेट रासायनिक विधि, नैनो लिथोग्राफी। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले नैनो क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं समझाइए। तो देखा गाइस आपने, बहुत ही कम क्वेश्चन है। आप ये सिर्फ और सिर्फ अगर यही क्वेश्चन करके एग्जाम में भी जाते तो आप पास ही नहीं होंगे। हमारी गारंटी, आप फर्स्ट डिवीजन इजीली पास हो जाएंगे। साथ ही साथ में और कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन, किसी और सब्जेक्ट का सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है। और एग्जाम होने के बाद में एक बार और बताना चाहूंगी कि प्लीज़ मुझे पेपर सेंड करना ना भूलें। एंड थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।